थ्री बचाओ क्या हालचाल? बढ़िया एकदम तो सात अक्टूबर को हम लोग पीडब्ल्यू स्किल्स आपके सामने लेके आए थे और हम लोग ने लॉन्च किया था अपना खूबसूरत सा चैनल कॉलेज वाला जिसको आपने बहुत सारा सपोर्ट बहुत सारा प्यार दिया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो 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 मच फॉर दैट जब सात अक्टूबर को हम पीडब्ल्यू स्किल्स लेके आए थे तो हमने आपको बताया था कि हम किस किस तरह के कोर्सेज यहां पर पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर लेके आएंगे फ्यूचर में जैसे हम लोग ने बोला था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस एनालिटिक्स डेटा साइंस के कोर्स लेके आएंगे बिजनेस डेवलपमेंट के लेके आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लेके आएंगे और ये सारे कोर्सेज की जरूरत है इस टाइम भारतवर्ष के बच्चों को भारतवर्ष के कॉलेज के बच्चों को कॉलेज पास आउट बच्चों को जिनको जॉब्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था इस बारे में कि भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कॉलेज के अंदर जो चीजें हम पढ़ते हैं और जो जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसमें ह्यूज डिफरेंस रह जाता है और उस उस डिफरेंस को को गैप पूरा करने के लिए पीडब्ल्यू लेके आया अपना पीडब्ल्यू स्किल्स प्लेटफॉर्म और जब हमने आपसे प्रॉमिस किया हम इनते कोर्सेज लेके आएंगे तो उसके पीछे एक बड़ा विजन छुपा था पीडब्ल्यू का वो ये था कि अपने जैसे अपने जैसे विजन वाले अपने जैसे डेडिकेटेड अपने जैसे एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने वाले अपने जैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बिल्ड करने वाले लोगों को साथ में लेकर आना और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा भारत के स्किल्स और स्पेशली टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करने वाले डेमोक्रेटाइज करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है आई न्यूरॉन अब ये आई न्यूरॉन क्या चीज है व्हाट इज इस आई न्यूरॉन क्या कर रहे हैं ये जानते हैं इनके बारे में तो 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई आई न्यूरॉन की इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है हैविंग कोर्सेज इंटर्नशिप पोर्टल जॉब पोर्टल लैब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक क्या होता है कि अगर आप देखो यूट्यूब के ऊपर लोग देते हैं कि आप आ, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ लो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम समझ लो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी समझ पर कहां करें, कहा कहा करें।, कहा करें किस कंपनी में सीखें ये सारी चीजें प्रोवाइड की आई न्यूरोन ने आप देख सकते हो इंटर्नशिप पोर्टल है इनके पास और 560 प्लस प्रोग्राम्स इन 36 डोमेन्स एक बिग राउंड थर्टी सिक्स डोमेन्स के अंदर फाइव सिक्सटी प्लस प्रोग्राम क्रिएट किए हैं एंड एक बार फिर से ताली हो जाए प्लस कंपनीज इन दी जॉब पोर्टल तो इनके जॉब पोर्टल पे एक सौ पैंतीस से ज्यादा कंपनी से इनका टाइप है जहां ये स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या जॉब के लिए रिकमेंड करते हैं तो इट्स नॉट ओनली मैंने पहले भी कहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने पढ़ा दिया बात ये कि आपने पढ़ाया समझ में आया उसका आपने प्रैक्टिस किया लैब्स में आपने टेस्ट किया आपने इंटर्नशिप करके इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आपने जॉब क्रैक की तब जाके बात पूरी होती है जो कि आई न्यूरॉन करता आ रहा है इसके अलावा हैकेथन प्रोग्राम कराते हैं सर्टिफिकेशन कराते हैं एंड मैनी मोर थिंग तो ऐसी काबिल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी काफी दिनों से बातें चल रही थी और ये विजन अलाइन हो रहा था पीडब्ल्यू के विजन के साथ इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट नाउ न्यूरोन इज गोइंग फॉर अ परमानेंट पार्टनरशिप विथ पीडब्ल्यू स्किल्स एंड नाव आई न्यूरोन इज पीडब्ल्यू स्किल्स अब बात आती है कि किसने यह प्लेटफॉर्म बनाया हु इज द पर्सन बिहाइंड दिस हु इज द माइंड बिहाइंड दिस ये कौन इंसान था तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे द मैन टेक्नोलॉजी ऑफ आई न्यूरॉन और दिखाएंगे कि .S .S की वेबसाइट में like जमशेदपुर जैसी सिटी से आके अपना नाम यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हैं और बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं भारत भर के सात लाख से ज्यादा बच्चे इनसे मेंटरशिप ले चुके हैं लेट्स गिवेग उट ऑफ सुधांशु सर हेलो सर वेलकम टू पीडब्ल्यू एल वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स हैव योर सीट सर सर शुरू करते हैं कि व्हाट इज आई न्यूरॉन और ये नाम ही क्यों आई न्यूरोन सो बेसिकली जब हम लोग आइमोन के बारे में सोच रहे थे कि और उसके पहले एक कंपनी एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे तो hmm. उसके पहले हम लोग एक मेंटर थे सो व्हेन वी आर सेइंग कि हम सो मी एंड क्रिस टू पर्सन सो हम लोग मेंटोर हैं एंड हम लोग डेटा साइंस के और ए के ज़्यादा क्लासेस लेते हैं hmm. उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली और न्यूरोन्स जो होता है वो एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी में जो आपको प्रोवाइड करता है क्षमता जिससे आप सोच सकते हैं कुछ भी वर्क को कर सकते हैं कुछ भी आप लर्न करते हैं तो बेसिकली इट्स अ न्यूरॉन्स ईच एंड न्यूरोवरी सो हम लोगों ने इसको देखते हुए ध्यान न्यूरोन आई एम अ न्यूरोन राइट सो हु कैन थिंक हु कैन डेवलप एंड हु कैन एग्जीक्यूट सो यहाँ से नाम आया ये अब ये जो इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपने डेवलप किया है यहां पे इतना अच्छा जो इकोसिस्टम आपने बनाया है अब ये कुछ सिस्टम पूरे भारत के लिए एक्सपोज होने जा रहा है पीडब्ल्यू स्किल्स से अब हर बच्चा यहाँ पे आ सकता है आ, कौन से अभी रिसेंट के कोर्सेज होंगे जो आप बच्चों के लिए यहाँ पे भी ऑफर करेंगे पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर और कौन वो आपके टीचर्स होंगे जो इन कोर्सेज को लेंगे उन टीचर से भी हम लोग मिलना चाहेंगे सो so, दोस्तों हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग इन डिमांड पॉपुलर कोर्स इन साइड अ इंडस्ट्री एंड जो पहला कोर्स है वो है फुल स्टैक वेफ डेवलपमेंट जो दूसरा कोर्स है वो है जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन एंड तीसरा डेटा साइंस मास्टर्स अगर पहले कोर्स की बात करें फुल स्टैक डेवलपमेंट सो जब तक इंटरनेट रहेगा और जो कोई भी इंटरनेट यूज कर रहा है सो so ऑब्वियसली ये कोर्स तब तक पॉपुलर रहेगा क्योंकि फुल स्टैक बेफ डेवलपमेंट की डिमांड जो है वो सारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है जो सेकंड सेगमेंट है जावा विद एंड सिस्टम डिजाइन अगेन इसकी रिक्वायरमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस सारे के सारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है एंड जो थर्ड कोर्स है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ड्राइव कर रहा है इंडस्ट्री के ऑटोमेशन से लेके जो बड़ी बड़ी सेल्फ ड्रिवेन और सेल्फ डिसीजन मेकिंग चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें बनती है एआई के थ्रू एंड इसको ध्यान में रखते हुए तीसरा कोर्स आ रहा है डेटा साइंस मास्टर्स जिसके अंदर आपको इन डेप्थ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एनएलपी कंप्यूटर विजन सब कुछ सिखाया जाएगा ना बात करते हैं इस कोर्स के फीचर के बारे में सो so, फीचर्स क्या होंगे और ये किसके लिए होंगे सो so, बेसिकली ये कोर्स वो लोग ले सकते हैं जो मे बी इंजीनियरिंग में है बी सी कर रहे हैं या फिर मे uh, बी वैसे लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट जो है उसको कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं एंड देन दे कैन गेट इनटू अ इंडस्ट्री। नाउ अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस जो है वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओनली इन आई और अगर बात करें इस कोर्स के फीचर के बारे में तो आपको तमाम तरह की सुविधाएं इस कोर्स में दी जा रही हैं जैसे कि लेट्स सपोज मैं कोर्स कर रहा हूं और मुझे डाउट आ गया आप क्या करें सो so बेसिकली आप हमारे जो टी हैं आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो जो टीचिंग असिस्टेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो सुबह दस बजे से लेकर रात दस बजे तक सो so, बारह घंटे का सपोर्ट विंडो आपको दिया जा रहा है आप अपने डैशबोर्ड के अंदर से ही हमारे टीम को आप पिंग कर सकते हो एंड देन आपका जो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी टीम विल ट्राई टू रिजॉल्व इट उसके अलावा आप ईमेल कर सकते हो उसके अलावा यू विल बी हैविंग एन एक्सेस अ इंटायर कम्युनिटी जहां पर आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आप ही के क्लास से या फिर कोई अचीवर्स या फिर कोई इंडस्ट्री के लोग आपको आंसर वहां दे रहे होंगे प्लस जब भी लाइव क्लासेस होंगी इस कोर्सेस में सो आफ्टर अ लाइव क्लासेस यू कैन हैव अ डिस्कशन विथ योर मेंटर इन वन टू वन फॉर्मेट उसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन यहां पर मिलेगी उसके अलावा आप यहां इंटर्नशिप करोगे सो so, इस कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा दो साल के लिए So, दो साल तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो आप क्विज कर सकते हो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो ऑब्वियसली उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप तब तक इंडस्ट्री के अंदर जा चुके होंगे प्राइस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं तो प्राइस जो है वो सुपर सुपर अफोर्डेबल है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओनली उसके अलावा आप अगर इस कोर्स के पार्ट हो आप जो लैब है पीडब्ल्यू स्किल्स लैब वो एक्सेस कर पाओगे इंटर्नशिप आप करोगे साथ में और मे बी अकेले डिपेंड्स अपॉन योर नीड आप बेसिकली जो अचीवर्स हैं आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे आप जॉब पोर्टल एक्सेस कर पाओगे जिसके अंदर यू हैव लाइक एक्सेस टू तो बिल्ड योर रिज्यूमे आप अपना मॉक इंटरव्यू जो है वो सकते हो एंड हम लोगों ने इसके अंदर ये मेक श्योर किया है कि जब भी आपको जिस तरह की हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी वो आपके पास आपके साथ अवेलेबल रहे सो so ये सारी तमाम सुविधाएं इस कोर्स के अंदर आपके लिए अवेलेबल है और जो पूरे कोर्स का शेड्यूल है जो टाइमिंग है आपको किस तरह से किस दिन किस चीजों को पढ़ाया जाएगा ये सारे के सारे लिंक में अवेलेबल है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो आने आपको पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है और इस पूरे कोर्स को करने में आपको लगेंगे सात महीने और इस सात महीनों में आप सिर्फ कोर्स ही नहीं कर रहे होंगे आपको करना होगा प्रोजेक्ट्स भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम लोग देंगे अपने साइड से एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आप एक्सपीरियंस पोर्टल के थ्रू करोगे जिसमें आपको रियल टाइम इंडस्ट्री ग्रेड एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलेगा थैंक यू सो मच सर ऐसा क्या आया दिमाग में कि 2019 में आपने आई न्यूरॉन फाउंड किया क्या रीज़न था क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आई न्यूरॉन आप लेके आए सो okay. बेसिकली so, uh, हम लोग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे सो आई हैव विद विप्रो देन 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 डेलॉयट एंड हैगैरह वगैरह वगैरह कंपनीज एंड पार्लली वी वर डूइंग इवन सम ट्रेनिंग जहाँ पर हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे थे बट अगेन वो जो ट्रेनिंग था जिस ट्रेनिंग कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए थे दे वर नॉट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एजुकेशन सो पहला पॉइंट हम लोग का यह था कि जो हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लोगों को वह पहुंच पा रहा है मे बी पचास लोगों के पास या मे बी सौ लोगों के पास बट सेम चीज को अगर पहुंचाया जाए हजार और लाख लोगों के पास तो ऑब्वियसली जो प्राइस है उसको तो कम करना पड़ेगा सो दैट वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट जो सेकेंड पार्ट था वो ये था कि ठीक है कोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशन आप दे रहे हो इन अफोर्डेबल मोड ट हाउ इफेक्टिव दैट एजुकेशन इज राइट क्योंकि टेक वाले में क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग अ एजुकेशन और गिविंग अ क्लासेस और टीचिंग समवन वहां पर आपको लायक बनाना होता है लोगों को ताकि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके यहां पर एग्जाम्स तो होते नहीं है हमारे में तो जब आप इंटरव्यू ले जाते हो तो वहां पर आपको बताना होता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में राइट right. आप ये नहीं बोलते हो ना कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है ये डिग्री किया हुआ है या फिर आ, मैंने इतना पढ़ाई करा हुआ है आगे भी इतना पढ़ लेंगे और उससे आपसे कोई जॉब देगा कोई जॉब नहीं देने वाला है आपको इट्स ऑल अबाउट अ एक्सपीरियंस दैट यू विल गो एंड यू विल शेयर राइट एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू क्रैक अ इंटरव्यू सो ये दो मोटो था एक अफोर्डेबिलिटी और दूसरा

तो उस चीज को सुधांशु सर ने काफी ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया सबसे पहले और दूसरी चीज जो ये बता रहे हैं कि इन कोर्सेज के अंदर यही सिर्फ नहीं है कि आपने कोर्स डिलीवर कर दिया एंड इट्स डन इज अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग आपको लेके चलना है उनको इंटर्नशिप करानी है उनको रेगुलर प्रैक्टिस करानी है अबाउट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्योंकि बंदा जाके एक्सपीरियंस ही बताएगा पढ़ाई वहां नहीं बताएगा हुँ. तो उस लेवल तक उसको लेकर आना और हुँ. उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे इंटर्नशिप पोर्टल जो है लैब जो बनाया गया है या जॉब पोर्टल बनाया गया है सो एवरीथिंग इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पार्ट अच्छा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाउस नी स्टूडेंट्स तो तो है सबका जॉब आप नहीं लगवा सकते हो और आप कितना भी पढ़ा लो राइट कितना भी पढ़ा लो कितना भी एजुकेट कर लो बंदे को जाकर इंटरव्यू देना होता है उसको ही जाकर जॉब क्रैक करना होता है बेसिकली वी यूज टू इनेबल हम लोग भी नहीं कभी बोलते हैं इंटरव्यू है mm. kind of mm. mm. देना है सो वी जस्ट इनेबल पीपल इनेबल इन डिफरेंट वे और uh, जहां तक बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट की mm. जो अभी तक प्लेस हो चुके हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट्स मोर देन टेन थाउजेंड प्लस ग्रेट तो सर इसकी बात हुई देन हाउ यू जैसे मैंने आपका uh, पूरा जो आपका पूरा प्रोग्राम था जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट समझ में आई वो थी अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट यू आर डीलिंग विद इट्स नॉट ओनली अबाउट कोर्स मतलब अगर मैं देखूँ इस टाइम यूट्यूब के ऊपर तो कोर्सेज बहुत सारे हैं है ना एनी वन कैन कम एंड टीच यू जावा पाइथन और वॉट एवर इट इज़ जो मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते दो तीन ही है तो दैट इज़ वेरी ईजी एंड वो बहुत लोग कर रहे हैं विच इज़ गुड ऑफकोर्स उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके अलावा आपने डिफरेंट पूरा जो टेक प्लेटफॉर्म बनाया उसको आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे क्या एकदम ज़रूर सो so, देखिए क्या होता है कि कोर्स जैसा कि आपने बोला यूट्यूब पर अवेलेबल है राइट yes. बट right. ये स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है वो इंडस्ट्री के लिए रेडी है या नहीं है राइट सो वी नेवर थिंक अबाउट इट और जो बच्चे होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता है करना क्या है तो जिस जैस ट्राई टू तो फॉलो बट अगर आप इन डेफ्थ में जाओगे तो यू नीड अ कंप्लीट पैटर्न स्टार्टिंग से लेके इंडस्ट्री के अंदर जाने तक का ना उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं ले सपोज कि आपने कहीं एक्स वाई जेड जगह से कोर्स एक ले लिया आपने कोर्स कर लिया बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्स करने के बाद क्या तो ऑब्वियसली रिज्यूम बनाने होते हैं अब रिज्यूमे बनाने के लिए उसके अंदर आपको चाहिए प्रोजेक्ट उसके अंदर आपको दिखाना ये होता है कि आपने क्या करा है आपका डे टू डे डिलीवरेबल्स क्या था बेसिकली आपने क्या टेक्नोलॉजी क्रैक किया है क्या प्रोजेक्ट हैंडल किया है किस तरह के क्लाइंट को आपने आपनेटरटेन किया है ये सारे कुछ करने होते हैं अब ये कोई बताता नहीं है यूट्यूब पर या कहीं पर भी जहां पर भी भी इस तरह so, के के कोर्सेज अवेलेबल है सो इवन अंदर वी वी हैव हैव डन अकोमोडेटेड ईच एंड एवरी कि सिर्फ यहां पर कोर्स नहीं करवाया जाएगा सिर्फ आपको यहां पर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं दिया जाएगा पर आपको यह भी बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है अब बच्चे बहुत सारे हैं अब कैसे आप बता दोगे सबको एक एक करके पॉसिबल नहीं है ट वी हैव डन देन वी हैव क्रिएटेडम क्योंकि जब सिस्टम लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो ऑब्वियसलीट इज गोइंग टू बी अनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिस्टम जिस तरह से आपने बना रखा है वो उस तरह से वर्क करेगा हमेशा mm. कोई फेल नहीं होगा सो देन वी है इंटर्नशिप पोर्टल कि जो बच्चा मे बी कॉलेज में है या पास आउट हो चुका है बट उसके गैप आ चुके हैं mm. या फिर इंडस्ट्री के अंदर है मे बी इन अन्टे डोमेन

बेसिकली आप काम करोगे तब तो आपका जाके भला होगा क्योंकि आप यहां पर एग्जाम के लिए नहीं बैठ रहे हो जहां पर आपने दुण पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन यू विल गेट इन डो इंडस्ट्री नहीं आप करोगे और वही बताओगे तो इंटर्नशिप पोर्टल क्या करता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है बट उसके पहले भी एक और प्रॉब्लम आता है कोर्सेज तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कर दिए तो नाउ एवरी वन कैन अफोर्ड फ्रॉम टी एर थ्री थ्री फोर सिटीज एवरी वन कैन अफोर्ड क्योंकि थ्री थाउजेंड प्लस जीएसटी फाइव थाउजेंड प्लस जीएसटी सिक्स थाउजेंड इस रेंजेस में कोर्सेज थे पर टेक में क्या होता है कोर्स को पढ़ने के लिए और जो मैं प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूं उसको करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ज्यादा हाई सिस्टम अब उसके लिए आपको अलग से लाख डेढ़ लाख खर्च करने पड़ेंगे और जो कि वो बच्चा नहीं कर सकता है अब वो कोर्स उसका लेना और नहीं लेना एक ही बात हो गया राइट right? इसको सॉल्व इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिस्टम पर करने लगेगा लाइक like. चलेगा चले ही नहीं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे बिग डेटा के प्रोजेक्ट के राइट सो एटलीस्ट आपको चाहिए होगा सोलह जीबी रैम Hmm. और लाइक आई फाइव आई सेवन का लैपटॉप टीयर थ्री टीयर फोर में कितने लोगों के पास अवेलेबल है हार्डली पांच छह परसेंट राइट ले लिया क्योंकि कोर्स बहुत सस्ता था बट करोगे क्या उसके बाद आप एक्सपीरियंस कैसे लोगे और वहां तक कैसे पहुंचोगे क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से यहां पर काम नहीं चलेगा यहां पर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो राइट right, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो सो वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट लैब यहां पर कि ठीक है आपका लैपटॉप में भी दस साल पुराना है कोई दिक्कत नहीं उसमें उसमें सिर्फ अगर ब्राउजर चलता है क्योंकि तो सब में होता है, जो है, वो कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर ही बिना लैपटॉप में इन्वेस्ट किए हुए <coughs> तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको फिर से री नहीं करना है आप कह रहे हैं कि पच्चीस तीस हजार के लैपटॉप में काम बन जाएगा

जिस दिन आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो आपको सेम इन्वायरमेंट दिया जाता है ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट करते हो लैपटॉप में और जाके अपने मैनेजर को बोलते हो कि ये रहा मेरा लैपटॉप डिप्लॉय कर लो <laughs> आप ऐसा तो नहीं करते हो ना बेसिकली आप सारे के सारे चीज करते हो एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ इन के अंदर तो हम लोगों ने ये सेम चीज एप्लीकेट कर दिया लैब्स के अंदर ही <laughs> कि जो यहां कर रहे हो वो आगे जाके भी आप वही चीज करोगे <laughs> <laughs> तो बेसिकली सिर्फ आपको हेल्प ये नहीं किया कि पैसे आप बचा रहे हो नहीं आप सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस भी यहां पर ले रहे हो सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट इकोसिस्टम के अंदर आप काम भी कर रहे हो तो लैब इस तरह से ये दोनों पर्पस को फुलफिल करता है तो चलिए कोर्स हो गया आपका आपने इंटर्नशिप कर लिया कोर्स करते करते आपको लैब मिल गया अब क्या अब तो आपको जॉब चाहिए ना क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका है आपके पास कोर्स आपने पूरा कर लिया है अब जॉब में भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं अब बच्चे ये बोलते हैं कि यार जॉब के लिए अप्लाई किए पर वहां से कुछ फीडबैक नहीं मिला मेरे को hmm. या फिर जॉब जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उसके पहले अगर कोई मेरा इंटरव्यू ले लिया होता hmm. तो ऑब्वियसली जो मैंने दस अपॉर्चुनिटी लूज की है जहां जहां मैं फेल हुआ हूं शायद वो फेल नहीं होते वहां पर सिर्फ दो जगह फेल होते उस सिचुएशन को हम मिटिगेट कर सकते थे वहां पर तो ये भी प्रॉब्लम था वहां पर प्लस लोगों का ये भी प्रॉब्लम था कि कहाँ सर्च करें किससे कनेक्ट करें रिज्यूमे कैसे बनाएं जो बहुत hmm. सारा प्रॉब्लम था hmm. इन सब प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करा है जॉब पोर्टल के अंदर आप जॉब पोर्टल के अंदर जाओ

आप रिस्पेक्टिव टीम के साथ एक बार अपना मॉकअप करवा लो ताकि आपको सामने वाला बंदा बता देगा कि आप कहां गलत जा रहे हो किस चीज में आपको मेहनत करनी है किस में नहीं करनी है क्योंकि बतेरे चीज होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी वाले एरिया में राइट सो so अगेन यहां पर यह भी वैरी करता है कि लाइक आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है फ्रेशर हो कैब hmm. वाले हो तो आपको हर चीज को टैकल करना है क्योंकि जब इंटरव्यूअर बैठ के पूछेगा तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है तो यहां पर हम लोगों ने रखा प्रोविजन कि मॉक इंटरव्यू आप जॉब पोर्टल के थ्रू शेड्यूल कराते हो देन हमारी टीम क्या करती है आपका असेसमेंट करती है आपको अच्छे से स्कोर देती है रैंक देती है वहां पर हर एक चीज पर सो बेसिकली वी हैव अ नाइन पॉइंटर एजेंडा वहां पर सो so आपको नाइन पॉइंट पर उपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपके प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर आपको आपके सिस्टम डिजाइन स्किल के ऊपर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर लाइक वाइज वी हैव नाइन पॉइंटर्स सो उसके ऊपर आपको बेसिकली असेस करती है टीम एंड आपको अपफ्रंट बोल देती है कि आप यहां पर गर्वर कर रहे हो अगर ये नहीं सुधारा देर इज अ चांस कि आप लूज कर दोगे अपना एक अपॉर्चुनिटी तो बेसिकली आपको किसी ने बता दिया पहले कि ठीक है आप ये ये ठीक कर लो एंड आपका ये ठीक हो गया राइट right? आप टाइम लोगे अगेन यू कैन कम फॉर मॉक इंटरव्यू जितना बार आप चाहो उतना बार आप आ सकते हो दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल इससे यहां का प्रॉब्लम सोल्व किया स्टूडेंट का अब ऑन द सेम पोर्टल दे कैन इवन अप्लाई फॉर द जॉब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया उसके लिए हम लोगों ने कंपनीज ऑन बोर्ड कर ली राइट अच्छा. right. एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के साथ कि आप अपना इस सेगमेंट का जॉब जो है यहीं पर पहले पोस्ट करो एंड देन आवर पीपल आवर स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई और आपको क्या मिलेगा फायदा उससे <coughs> कि आपको हम पूरे के पूरे स्कोर रैंक के साथ स्टूडेंट यहां पर दे रहे हैं आप खुद से देख सकते हो कि कितने अच्छे स्टूडेंट हैं कितने खराब वगैरह वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो इसी ट्रांसपेरेंसी आपके पास पूरा का पूरा है सो दिस इज हाउ लाइक वी हैव द इंटायर जॉब पोर्टल क्योंकि डेस्टिनेशन जो होता है यहाँ पर हमारे सेगमेंट में वो जॉब होता है कोई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता है यहाँ पर सबको जॉब चाहिए सबको नौकरी चाहिए सबको हाइक चाहिए सबको ग्रोथ चाहिए इसीलिए लोग पढ़ता है तो दिस इज हाउ वी हैव द इको इकोसिस्टम हाँ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और भी चीज़ें हमने बनाई हमने बनाई कैंपस इन्वेस्टर प्रोग्राम हम लोग हैकाथन बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें सीखें चीज़ों को बिल्ड करें तो देर इज अ अकाथन पोर्टल दैट वी हैव उसके अलावा हम लोग के पास एफिलियट पोर्टल भी है तो इस तरह से ये सिस्टम जो है जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गए गए, बनाते गये। wow. इस कोर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए बुला लेते हैं पहले तो हितेश सर को जो कि खुद एक फेमस फेस है इस सेगमेंट में और आई थिंक इंडिया में सबको जानता है इनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट में wow. और, uh, hey. wow, और ही अच्छा एंड जो सेकेंड कोर्स है जावा विथ डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन उसके लिए बुलाते हैं नवीन रेड्डी सर को तो उनको इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं वैसे तुलुस्को सर के नाम जानते हैं ये भी बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर टेकिस प्लस टीचर हैं हेलो सर सो शुड वी स्टार्ट विथ डेवलपमेंट हाँ जी सर तो यहाँ पे जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट अब जो फुल स्टैक का रिक्वायरमेंट है वो पूरी दुनिया में उतना ही है जितना कि इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वेबसाइट होना ज़रूरी है हुँ. और अगर वेबसाइट है तो कोई ना कोई डेटा भी प्रोसेस होना पड़ेगा सारा खेल तो डेटा का ही है डेटा में कैसे डेटा जाएगा कैसे लोगों को दिखेगा जब तक इंटरनेट है तब तक लोगों को इंटरफेस चाहिए वो इंटरफेस आता है वेब से और भी है ज़रिए मोबाइल इंटरफेस भी है लेकिन जो मेजोरिटी अभी भी है वो वेबसाइट से ही चलती है तो जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक वेबसाइट चलेगी और जब तक वेबसाइट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तब तक यहाँ पे स्किल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा और जॉब्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही रहेगी और अभी भी है वाओ वाओ सर आपके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रीफ कुछ सुन पाएँ कुछ समझ पाएँ हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस इंडस्ट्री और कैसे आप टीचिंग फील्ड में आए और कैसे ये सब हुआ करीब दस साल से या ग्यारह साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ hmm. और तकरीबन जितने भी लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं या फिर सीखने की कोशिश करते हैं उन्होंने कभी ना कभी मेरे चैनल पर yes. जाके और कंटेंट वहाँ पे देखा ही है yes. उसके अलावा मेरा जो मेजर इम्पैक्ट रहता है वो रहता है अफोर्डेबिलिटी का hmm. क्योंकि देश अगर बदलना है तो अफोर्डेबल एजुकेशन देना पड़ेगा और क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा क्योंकि अभी इंटरनेट पर सिखा तो सभी रहे लेकिन कौन कितना क्वालिटी के साथ सिखा रहा है किसने कितना एक्सपीरियंस लिया है वहीं से सब कुछ सारा गेम चेंजर है तो मैंने जो शुरू से अप्रोच लिया है वो ये लिया है कि देखो मुझे खुद को भी अगर सीखना होगा तो मैं डरूंगा कि यार जो भी मैं सीख रहा हूँ क्या इससे मैं नौकरी पा पाऊँगा तो मेन रिक्वायरमेंट मेरा था कि स्किल सीख जाओ कि आप अगर चलिए ज़्यादा बड़ी कंपनी क्रैक नहीं कर रहे हैं लेकिन इतनी सी कंपनी तो क्रैक कर सकते हैं कि अपने आसपास जाके किसी स्टोर पे बोल सकते हैं देखो मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा मुझे दस हज़ार रुपये दे दो या मुझे पाँच हज़ार दे दो तो एटलीस्ट उतना तो मैं सबको सिखा पाऊँ ये मेरा गोल था wow. और वही आज भी गोल है कि एटलीस्ट लोगों को इतना तो तैयार कर दो मैं वेब डेवलपमेंट में कि आप कोई हाई एंड सिस्टम क्योंकि देखिए गिने चुने लोग ही हाई एंड सिस्टम बनाते हैं लेकिन अगर सब इतना सीख जाएँ कि कम से कम आप आठ दस हजार किसी को चार्ज करके अपना घर में पैसा तो लेके आ पाएं तो वही मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे और उसी के लिए मैं दस बारह साल से कंटेंट बना रहा हूँ और लोगों का प्यार यूट्यूब वगैरह पे wow. मिलता ही रहता है तो आपने ना जाने कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट दिए है मतलब इस तरह से कह सकते हैं एम्प्लॉयबल Employ बनाया है जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट और कितने लोग तो आई थिंक इसके बाद एंथपेन बन गए होंगे बहुत सारे अभी भी बहुत सारी कंपनियों में मिलते हैं यहाँ पे भी इवेंट में बहुत सारे लोग मिले बैंगलोर में बहुत सारे लोग मिले और मतलब बैंगलोर में तो आप कहीं पे भी जाइए किसी भी होटल में जाइए रेस्टोरेंट में जाइए कहीं ना कहीं लोग मिलते ही रहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे कोर्सेज से सीखा है बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी जॉब कर रहे हैं इंटरनेशनली भी प्लेस्ड हैं मतलब इतना प्यार मिला है लोगों का और इतने लोगों का जॉब्स तो अगर मैं काउंट करूँ जिनका इम्पैक्ट मैंने डाला है तो आई थिंक बीस तीस लाख तो लोग तो होंगे अनकाउंटेबल <laughs> <laughs> है सर अनकाउंटेबल है hmm. बट हाँ यही है कि शुरू से मोटिव यही रहा कि लोगों को क्वालिटी कंटेंट सर्व करो अफोर्डेबल hmm. में सर्व करो और ऐसा उनको स्किल तैयार कर दो कि भले ही वो बीस लाख का पैकेज ना ले पाए पर दस हजार के लिए तैयार हो गए ना तो मेरा जॉब हो गया पचास हजार जैसे एग्जाम में होता है ना कि टॉप कब होगा जब चालीस नंबर आ जाएगा पहले पास हो उसके बाद तो टॉप तो हो दस एक पर तो वही अप्रोच भी फॉलो करता हूँ जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होने वाला है जावद विद डी डिजाइन उसके बारे में कुछ बताएं सर ओके okay, जैसे कि बात हुई अभी वेबसाइट के बारे में उसके अलावा जब इंटरपेस की बात करते हैं कंपनीज़ बिग कंपनीज़ तो यहाँ पे उनको चाहिए होता है एक बड़ा प्रोजेक्ट तो जो भी बड़े कंपनीज़ है आई ले लो जो भी एम एन सीज है सो तो वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सालों से ही उन लोग जावा यूज़ कर रहे हैं और अभी आगे भी चल चलता रहेगा तो जावा में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्कस है तो जावा लैंग्वेज हो गया उसके ऊपर फ्रेमवर्कस है फ्रेमवर्कस के अलावा डेटा को स्टोर कैसे करना है डेटा को प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए हम डी एस सी उसके बाद एक सिस्टम को बनाने के लिए जो एक बड़ा एप्लीकेशन होता है तो ऐसे नहीं कि बस तुमने लैब uh, ओपन कर दिया और कोई चालू हो गया एक पहले सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है कि प्रोसेस कैसे होगा डेटा फ्लो कैसे होगा तो वो सब हम सिखाने वाले सिस्टम डिज़ाइन में तो जो पूरा कोर्स होगा वो होगा जावा डी एस एंड सिस्टम डिज़ाइन जहाँ से एक बंदा जब पढ़ लेगा उस चीज़ को सो ही कान जस्ट मेक अ सिंपल एप्लीकेशन बट एन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन एक बड़ा एप्लीकेशन जो इंडस्ट्री में यूज होगा सर वाई दिस पर्टिकुलर टाइटल हैज़ बीन गिवन टू यू टाइटलो

फिर हमें फील हुआ कि मेरे ब्रांड में मेरा नाम नहीं होना चाहिए hmm. अगर आगे जाके अगर फेमस होता है तो शुड बी विद नॉट नॉट माय माय नेम तो वो टाइम पे हमने फिर थोड़ा सा कुछ सोचा कि क्या नाम रखा जाए मुझे कोई भी सा इंग्लिश टर्म यूज नहीं करना था बिकॉज वो ए में फिर इशू आता है कि गूगल hmm. पर कोई सर्च किया जैसे एग्जाम्पल लर्न जावा hmm. तो फिर किसी ने सर्च किया लर्न जावा तो किसी और का आ जाएगा मेरा <laughs> <नाम रखा> जाएगा। <laughs> तो मुझे कोई यूनिक वर्ड चाहिए था तो बहुत लोग क्या करते थे गो फॉर इटालियन टर्म जर्मन टर्म जो यूनिक हो जाता है और मैं हूँ मैं मुंबई से हूँ लेकिन मेरा जो बेस है वो हैदराबाद से है तेलुगु हूँ तो तेलुगु में तेलुस्को का मतलब होता है गेट टू नो गेट टू नो लर्न तो वो तेलुस्को नाम वहाँ से पड़ है वाह wow. तो चलने में तेलुस्को है तो लोग शक्ल से पहचानते हैं और तेलुस्को बोलते हैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ कहीं रोज पर जाता हूँ

और स्टार्टिंग से ही जावा में काम कर रहा हूँ तो जावा में डेवलपमेंट किए हैं जावा में लोगों को सिखाया है इंडस्ट्री में फिर कोर्सेस uh, बनाए हैं बस wow. आजकल जावा ही बोलता हूँ सब जगह पे एंड द नेक्स्ट कोर्स द थर्ड कोर्स दैट इज़ वी आर गोइंग टू लॉन्च अराउंड दैट जॉब रेडी कोर्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च इज़ अराउंड डेटा साइंस एंड डेटा साइंस आपके यहाँ कौन सो डेटा साइंस के जो मेन मेंटोर हैं या फिर आप बोल लीजिए फेस uh, Hmm. वो है हमारे क्रिस सर ठीक है सो क्रिस सर प्लीज ओके सो लेट्स वेलकम क्रिसर फॉर डेटा साइंस एंड ऑल्सोर ऑफ आई न्यूरोनोर वेलकम्लू स्किल्स यू सर एज अ को पहले तो आप अपनी जर्नी बताएं कि कैसे आई न्यूरॉन के अंदर आए, आए आप कब आपने ज्वाइन किया कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने साथ में किया एंड देन डेटा साइंस के बारे में बात करें आपके एक इन्फ्लुएंसर uh, होने पे बात करें ठीक है सर तो मेरा करियर एक्चुअली आई इंडस्ट्री में दो से स्टार्ट हुआ है uh, मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया हूँ थर्ड टायर कॉलेज से था तो पहले प्रॉब्लम तो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कि, कि जो को हम कॉलेज में पढ़ते थे और जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री जैसे हम लोग घुसे राइट कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट था तो वो टाइम में मैं कम्प्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट किया बहुत सारा टाइम लगा इनिशियली बहुत एफ़र्ट डालना पड़ा रातें लग जाते थे ऑफिस में सिर्फ काम सीखने के लिए काम का भूख था कि मैं जल्द से जल्द सीखूं। उसके बाद 2013 की बात है मैं जब सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो बेसिकली हम लोग ने एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाया था तो रूल बेस्ड सिस्टम ऐसा होता है कि आप लॉग इन करिए वेबसाइट में लग से आप एक इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपके एज के हिसाब से ठीक है तो वो प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ तो उसमें हम लोगों को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला ये बोल के कि ये एक एआई सिस्टम है तो 2013 की बात कर रहा हूं मैं बट वो टाइम में मेरे को ए आई सिस्टम AI था नहीं वो रही हाँ ए आई सिस्टम था नहीं रूल बेस्ड सिस्टम बोलते थे हम लोग उसको बट सब लोग अप्रिशिएट करने लगे कि भाई तुमने ये ए आई सिस्टम बना दिया तब वो टाइम था कि फर्स्ट टाइम हम लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग और ए आई के बारे में जानना स्टार्ट किए और काफ़ी इंटरेस्ट उसमें गेन हुआ वो टाइम से मैं दो हज़ार चौदह से आ, डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ Uh, मैंने बहुत सारे कंपनीज़ जैसे सेपियंट हनीवेल, पैनासोनिक ई एन वाई ई एन वाई में तो दोनों साथ ही थे uh, uh, उसी टाइम में uh, मान के चल लीजिए पाँच छः छः साल पहले मैंने इनसे मिला uh, विजन uh, अब वो जहाँ पढ़ा रहे थे मैं भी वहीं पढ़ाता था और uh, वहाँ पे हम लोग ने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा थी कि कॉस्ट बहुत हाई है ठीक है इट वॉज सम अराउंड एटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड जबकि हम लोग ये समझते थे कि राइट right, हम लोग जो ये एजुकेशन जो डेटा साइंस का एजुकेशन uh, पार्ट है हम लोग प्रॉब्लली बहुत ही कम दाम में बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो वहीं वो विज़न जब अलाइन हुआ तब हम लोग ने 2019 में आइनी रॉन का स्थापन किया और वहाँ पे आ, हम लोग इनिशियली पढ़ाते थे बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हुए हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में आज आप यहाँ पे बहुत लोगों को देखेंगे वो लोग वो बैच से जब हम लोग पढ़ाते थे इनिशियली उसके बाद हम लोगों का टीम बड़ा हुआ और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए तो अभी करेंटली हम लोग का जो कोर्स आने वाला है डेटा साइंस के बारे में उसके बारे में बताएं कुछ हाँ तो ये जो डेटा साइंस मास्टर्स है ये कंप्लीटली एक एंड टू एंड डेटा साइंस पूरा का पूरा डेटा साइंस के बारे में ही है जहाँ पे हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स सो दैट जैसे हम लोग बोलते हैं राइट right, कि कंपनी में जाने से पहले राइट right, आज कल कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए और हम लोग ये मेक श्योर sure करते हैं जितना कंपनी एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना उससे टू हंड्रेड परसेंट ज़्यादा उनको पढ़ा के भेज देते हैं सो so दैट उन लोगों को वो एडिशनल एफर्ट डालना ना पड़े एंड दे आर इंडस्ट्री रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो ये विजन के साथ हम लोग काफ़ी सारे चीज़ डेटा साइंस इंडस्ट्री में पढ़ते हैं फ्रॉम बेसिक्स लेट्स फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं और एंड में हम लोग बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करते हैं और इंटर्नशिप पोर्टल को भी वहीं पे इंक्लूड करते हैं सो so दैट वो लोग वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये सारा चीज जब कवर हो जाता है उसके बाद जॉब असिस्टेंस हम लोग डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं सिंस हमारे पास 135 प्लस कंपनीज ऑलरेडी जॉब पोर्टल में ग्रेट दैट्स ग्रेट